हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मेरा एक सब्सक्राइबर कल कमेंट किया है, ये भाई क्लाच दाबने से जो आवाज़ होती है वो आवाज़ क्यों नहीं हो रही है। तो भाई, उन भाई को मैं एक वीडियो देना चाहूँगा, ये वीडियो का ज़रिए से बताना चाहूँगा। ये भाई, तुम सबसे पहले गाड़ी का जो ये यार मीटर होता है, ये यार मीटर में 6 पॉइंट में हवा रहना चाहिए, ठीक है। ये तो 2 पॉइंट में आ गया, फिर भी आपको एक कांटा कम से कम 6 पॉइंट में रहना चाहिए। अगर दो दो कांटा अगर इधर उतर गया तो आपका क्लच हार्ड हो जाएगा। जैसे देखिए, इसका क्लच में दाब रहा हूँ, इसका क्लच फ्री है, ठीक है। इसका क्लच में हवा जा रहा है, तो ये यार क्लच गाड़ी है, इसीलिए आवाज़ हो रहा है। अगर आपका यार क्लच नहीं है, ऑयल क्लच है, अगर ऑयल क्लच है आपका, तो ये आवाज़ नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, आवाज़ हो रहा। अगर आपका यार क्लच होगा तभी होगा। और हवा 6 से देखिए, एक कंप्रेसर का मीटर, ये यार मीटर है, ये यार मीटर अगर 6 से नीचे है तो आपका क्लच फ्री नहीं होगा, प्लस हवा आवाज़ भी नहीं करेगा क्लच बूस्टर। और क्लच बूस्टर ख़राब हो जाने से भी ऐसा होता है, क्लच बूस्टर का किट कट जाने से आपका आवाज़ नहीं होता, क्लच बैठ जाता है, बहुत सारा रीज़न है। तो भाई, आशा करता हूँ आप समझ गए हैं। तो वीडियो देख के अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।